बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम बीकॉम पार्ट वन यानी एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे कि किन टॉपिक्स में से उनका कन्फर्म क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है उसमें 8 क्वेश्चन आपको आते हैं। आपकी बुक के 2 पोर्शन हैं, एक स्टैटिस्टिक्स का और एक मैथमेटिक्स का। आपको 4 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन से और 4 ही क्वेश्चन आपको आते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन में से। तो आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 आपके स्टैट के क्वेश्चन, 4 आपके मैथ के क्वेश्चन। आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं तो आपने एटलीस्ट हर पोर्शन में से 2 क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। इसका ये मतलब है कि आप 2 स्टैट में से कर लें, 3 मैथ में से कर लें, या 3 स्टैट में से कर लें, 2 मैथ में से कर लें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 स्टैट के कर लें और 1 मैथ का कर लें, या 1 स्टैट का करें और 4 मैथ के करें। आपको हर पोर्शन में से एटलीस्ट यानी कम से कम 2 क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, यानी एक में से आप 2 करेंगे और दूसरे में से 3 करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आपने 2 मैथ में से अटैम्प्ट करने हैं या स्टैट में से अटैम्प्ट करने हैं और 3 आप दूसरे पोर्शन में से अटैम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बिजनेस मैथमेटिक्स के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। 4 ही चैप्टर हैं आपके, हर चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन आता है, हर चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन आता है। इसका बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके थ्रेटिकल तमाम सब्जेक्ट्स के गेस की वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। बाज़ बुक्स में मैंने आपको 11 क्वेश्चन दिए हैं इंपॉर्टेंट, बाज़ में 13 दिए हैं, बाज़ में 15 दिए हैं। अगर आपने वो गेस की वीडियोज़ नहीं देखी तो थंबनेल आपके पास आ रहे हैं, तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन गैस की वीडियोस को देखकर इन शॉर्ट टाइम में आप अपने पेपर्स की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और ये मैंने आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के पास्ट पेपर्स का डाटा कलेक्ट किया है, 2019 एनुअल एंड सप्लीमेंट्री और 2014 का भी एनुअल और सप्लीमेंट्री, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तकरीबन मैंने आपके 12 पास्ट पेपर एनालाइज़ किए हैं। और मैंने इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं कि आपके कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आपको कंफर्म क्वेश्चन हर सूरत आता है। तो स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट्स, आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आता है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में से आपको एक पूरा क्वेश्चन आता है। इंडेक्स नंबर में से भी आपको एक पूरा क्वेश्चन आता है। सेट थ्योरी में से कुछ नहीं आता। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में से बाज़ दफ़ा आपको एक पार्ट दे देता है, ए या बी पार्ट, इन दोनों में से, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग में से आपको पूरा एक क्वेश्चन आता है। टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आता। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से भी नहीं आता। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन एंड काई स्केयर, का स्केयर का आपको क्वेश्चन कभी पूरा आ जाता है, कभी इसका ए पार्ट आता है और बी यहाँ से आपको आ जाता है। तो अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि आप शॉर्ट टाइम में अपने किन टॉपिक्स और किन चैप्टर्स को पहले तैयार करें ताकि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप मैथमेटिक्स के पोर्शन को तैयार करें। आपको इनमें से जो चैप्टर्स ईजी लगते हैं आप सबसे पहले उन चैप्टर्स को तैयार कर लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि पहले आप लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन को तैयार करें, क्योंकि ये आपने मैट्रिक में भी की हुई हैं। अगर आपने आई काम किया है तो उसमें भी आपने ये पढ़ी होंगी, और अगर आपने एफएससी की है तो मैथ का पोर्शन तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं होगा स्टूडेंट्स। फिर आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को तैयार कर लें, क्योंकि ये भी आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। अगर आपने आई काम किया है तो उसमें भी आपने पढ़ा है, अगर आपने एफएससी की मैथमेटिक्स पढ़ी है तो उसमें भी आपने ये किया है। यहां से आप 2 तैयार करें और तीसरा आप मैथमेटिक्स और फाइनेंस का तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद आप सीक्वेंट एंड सीरीज को तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप पहले लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 यहां से प्रिपेयर करके रेडी करके आप स्टैट के पोर्शन की तरफ जाएं, वहां से भी 2 करें, फिर आप तीसरे का फैसला करें कि आपने मैथ का तैयार करना है कि स्टैट का तैयार करना है। स्टूडेंट्स, स्टैट के क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हैं, वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को देखकर भी अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। जैसे इक्वेशंस के क्वेश्चन आपके सॉल्व हैं, आप उन वीडियोस को देख लें। मैट्रिसेस
तकरीबन तमाम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हैं, आप इनको देख लें। मैथमेटिक्स और फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस पढ़ी हैं, तो आप मैथ के पोर्शन की तैयारी के लिए वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो से आपको मदद मिल सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स में सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस के पोर्शन को तैयार करें। यहाँ से क्वेश्चन आपको लाजमी आता है, हर सूरत आता है। और फिर आप इंडेक्स नंबर को तैयार करें। यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो लेस पेयर, पाशी, फिशर आइडल और मार्शल एजवर्थ का तकरीबन हर साल आ रहा है, सिर्फ 2015 के एनुअल में नहीं आया, और हर साल आपको आता भी लेस पेयर पाशी वाला ही है। अब दो आपके यहाँ से तैयार हो गए, दो आपके यहाँ से तैयार हो गए। अब तीसरे के लिए आप जो है वो फैसला कर लें कि आपने स्टैट में से तैयार करना है तीसरा या मैथ में से तैयार करना है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में तैयार करना है तो ये वाला क्वेश्चन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये लाजमी आता है स्टूडेंट्स, तो आप स्टैट में से ये तीन क्वेश्चन तैयार कर लें। क्वेश्चन आसान भी हैं और कन्फर्म भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, पांच कन्फर्म टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन पांच कन्फर्म टॉपिक्स को करने के बाद रिमेनिंग के जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं जहाँ से आपको कन्फर्म क्वेश्चन आता है उनको भी तैयार कर लें, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन भी हो। और यहाँ इस वक्त आपके पास ऊपर मैथ स्टैट के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस का लिंक आ रहा है, और यहाँ नीचे आपके पास आपके तमाम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के गेस की वीडियोस के लिंक है। आप इन वीडियोस को देखकर अपने पेपर्स की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जजाक अल्लाह।